हेलो दोस्तों, और आज की वीडियो में जिस विशाल जानवर की बात करेंगे उसका नाम है बुल, और जिसे हम लोग सांड कहते हैं। वैसे तो आपने बहुत से सांड गली या हाईवे पर देखे होंगे। जी हाँ, वही सांड जो लाल रंग के कपड़े देखकर भड़क जाते हैं। पर दोस्तों, आज की वीडियो में जिन सांडों को हम आपको दिखाएंगे, आपने उतने बड़े सांड अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। और दोस्तों, इनको काबू में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और आपने फिल्मों में हीरो को सांडों से लड़ते हुए तो देखा ही होगा, जिसमें हीरो सांड से जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर असल लाइफ में कभी इनका आमना सामना हुआ तो वही सांड इनकी लंका लगा देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमें पता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसलिए हम वीडियो को लास्ट से शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिगेस्ट बुल इन द वर्ल्ड। नंबर 8, ब्राह्मण बुल। दोस्तों, देखने में ये बैल ऊंट और गाय की तरह लगता है, और इनका नाम ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के नाम पर पड़ा है। और इन सांड की खाल काफी ज्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से इनके शरीर पर जल्दी जख्म बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि ये जानवर बेहद ही सख्त जान होते हैं। और दोस्तों, लोगों का ये तक भी कहना है कि अगर इस सांड को बंदूक की गोली भी लग जाए तो इन्हें ज्यादा गहरा जख्म नहीं आएगा, जिससे आप की मोटी खाल का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। और दोस्तों, इन ब्राह्मण सांड का इस्तेमाल कई देशों में बुल फाइटिंग के दौरान किया जाता है। यही वजह है कि आजकल फिल्मों में इन्हीं सांडों का फाइट सीन आपको दिखाया जाता है, जिसे हराना आसान नहीं होता। और इन सांडों का वजन 1000 से लेकर 1400 पाउंड तक होता है, लेकिन जिन ब्राह्मण सांडों की मसल्स ज्यादा होती है उनका वजन करीबन 1600 से लेकर 2200 पाउंड तक भी हो सकता है। और दोस्तों, इनकी बाजार में कीमत 40 लाख से लेकर 80 लाख तक भी हो सकती है। नंबर 7, सिवी वागनारी। दोस्तों, ये बैल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक इलाके सूबा बलूचिस्तान से है, और इस बैल की मिनिमम हाइट 7 फुट तक होती है, और इनका वजन लगभग 1300 किलोग्राम से लेकर 1600 किलोग्राम तक होता है। हर साल इन विशाल मवेशियों को पाकिस्तान में आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सिबी मेला में दिखाया जाता है। वैसे तो इस मेले में आपको तरह तरह के बैल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों, सिबी बैल को देखने के लिए भी लोग काफी मेले में आते हैं। और कई लोगों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मवेशियों की नस्ल में से एक है, और इनके रंग ग्रे या सफेद हो सकते हैं, और इनके सिंग छोटे छोटे होते हैं। और दोस्तों, एक स्वस्थ सिबी बैल की कीमत 35 लाख से लेकर 40 लाख तक होती है। नंबर 6, बेल्जियन ब्लू। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता बॉडी बिल्डर सांड है। ये बॉडी बिल्डर बुल को बेल्जियम बुल के नाम से भी जाना जाता है। कई सालों तक चले रिसर्च और क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इसे तैयार किया गया, जिसे 1997 में पहला बॉडी बिल्डर बुल तैयार किया गया था। इनके पूरे बॉडी की मसल्स आम बुल्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा ग्रो करती हैं। इनका रंग इनके ब्रीडिंग प्रोसेस पर निर्भर करता है, जिन्हें आमतौर पर व्हाइट और ब्लू ब्लैक में देखा जा सकता है। इन बुल्स की हाइट 1.50 मीटर तक होती है। आम बुल्स का वजन जहां 900 केजी तक होता है, वहीं इन बॉडी बिल्डर बुल्स का वजन 2300 केजी तक हो सकता है। इस ब्रीड के बछड़े के जन्म के समय तो आम बछड़ों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन 4 से 6 हफ्तों के बाद इनके मसल्स फैलने लगते हैं। वैसे तो बेल्जियम बुल्स और सांडों के मुकाबले काफी शांत स्वभाव के होते हैं, पर इनसे कोई भी उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। लेकिन कई लोगों का ये दावा है कि इस तरह के जानवरों को बड़ा और फुल मसल्स बनाने के लिए गलत सलत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे में जानवर बढ़ तो जाते हैं, पर इन्हें कई जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, जो इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक होते हैं। इस सांड की बॉडी पार्ट्स में जो मसल दिख रहे हैं, ये स्टेरॉइड के बिना हो ही नहीं सकते। अगर दोस्तों, स्टेरॉइड देना लीगल है, अगर ये लीगल है तो ये बेहद ही दुख की बात है। आप भी अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनसे हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, वो जानवरों को सब्जी बिल्कुल भी ना समझे। नंबर 5, साउथ डेवॉन।
दोस्तों ये बैल रेड कलर में ही होते हैं या फिर ब्राउन कलर में भी। अगर दोस्तों आपको कभी यूएसए में जाने का मौका मिले, अगर ऐसे रंग के बैल आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल की बैल देख ली है। दोस्तों ये बैल अक्सर सिंगों में या फिर बगैर सिंगों में देखने को मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ गोश के लिए ही पाली जाती है। इस नस्ल के बैल का वेट तकरीबन 1500 पाउंड से लेकर 4400 पाउंड तक होते हैं। ये ब्रीडिंग के लिए सबसे जल्दी तैयार भी हो जाती है। ये कम उम्र में ही गोश के लिए तैयार हो जाती। नंबर 4, लेमियोसिन बुल। अगर हम बॉडी बिल्डर बैल की बात करें तो लेमियोसिन सबसे पहले स्थान पर आने योग्य है। लेमियोसिन को अपने विशाल काय के साथ अन्य नस्लों के बीच एक स्टैंड आउट में सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित भी किया गया है। लेमियोसिन एक फ्रांसिस नस्ल है। यह पहले मुख्य रूप से एक मसौदा जानवर के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में अब इसे केवल गौ मांस के लिए ही पाला जाता है। और ये वजन में 1000 से लेकर 1300 किलोग्राम तक होता है और इनकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से लेकर 155 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये जानने के बाद आप इसकी ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। लेमियोसिन अक्सर लाल रंग में देखने को अधिकतर मिलते हैं। ये बहुत ही सातिर स्वभाव के होते हैं, जो कि कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 3, मोंटी ब्लेयरेड। दोस्तों इस बैल की उत्पत्ति पूर्वी फ्रांस के पहाड़ों में हुई और आधिकारिक तौर पर इसे 1888 में एक शुद्ध नस्ल के रूप में पंजीकृत कर लिया गया। पहाड़ों की कठिन जलवायु ने इस बैल को बहुत ही कठोर बना दिया था। पहाड़ी वातावरण के कारण सबसे ठंडी और सबसे गर्मी के मौसम की स्थिति का सामना करने में यह बैल सक्षम था। दोस्तों इसके पाले जाने वाली नस्ल की मादा जानवरों को दूध के लिए ज्यादातर पाला जाता था, क्योंकि इनके द्वारा प्राप्त किए गए दूध से बेहतरीन पनीर का उत्पादन होता है, जो कि बहुत ही उपयोग किया जाता है और अच्छी धनराशि भी मिलती है। ये वजन में लगभग 1200 किलोग्राम तक होते हैं, जो कि अधिकतर लाल और सफेद रंग में देखने को मिलते हैं। इनकी विशेषता इनके दूध से की जाती है, जो कि प्रोटीन से भरे होते हैं। ये साथ ही साथ बीफ प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ये एक शक्तिशाली बैल के साथ साथ एक उपयोगी बैल भी माने जाते हैं। नंबर 2, मेनंजाओ दे प्रेस। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये गाय फ्रेंच अंजू क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी, जिनके बच्चे बड़े होकर बहुत ही विशाल और शक्तिशाली बैल साबित हुए। औसतन ये दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ी मवेशियों की नस्ल में से एक है। हालांकि सबसे बड़ा दर्ज बैल इस सटीक नस्ल से ही पैदा हुआ था। इस क्लिप में दिख रहा है कि यह बैल, जिसका नाम फटोई है और इसका वजन 4300 पाउंड है, यह आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे वजनदार बैल है। ये पेरिस में 2016 के दौरान अंतरराष्ट्रीय कृषि शो में अधिकारियों द्वारा बताया गया था। दोस्तों ये बैल काफी बिगड़ैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन गायों में एक बड़ी मां प्रवृत्ति होती है और उच्च गुणवत्ता वाले दूध के कारण बछड़े को हमेशा प्रदान करते हैं, और जो अच्छी तरह से पोषित होते हैं ये अधिकतर मात्रा में अपने शरीर का विकास कर पाते हैं। नंबर 1, इस तस्वीर में मौजूद ये विशाल बैल, जो कि शांत स्वभाव से एक ही मुद्रा में खड़ा है। अगर हम प्रामाणिक कथाओं और रिवाजों को जानते हैं तो बैल को मनुष्य के बीच पूजा जाता है। अगर तस्वीर पर ध्यान से गौर करें तो ये गाय नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली बैल है, जो कि शांति से खड़ा है। जैसे कि हिंदू रिवाजों में सदियों से ही गायों और बैलों को पूजा जाता है। यह मानना है कि बैल हिंदू देव लॉर्ड शिवा के वाहन है, लेकिन हम ये तस्वीर में देखकर सोच सकते हैं कि क्या इतने बड़े विशाल बुल हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये विशाल बुल है, लेकिन गाय के आसपास जो लोग खड़े हैं वो असली नहीं है, बल्कि वो एक फोटोशॉप हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये लिस्ट? अगर आपको इसमें से कोई भी बैल ज्यादा पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।